नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एनुएन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर मैं कहूं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहते ही पहली इमेज आंखों के सामने आती है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराष्ट्र के लिए ये एक नाम नहीं है, ये एक गर्व है। महाराज का इतिहास इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में पढ़ा जाता है। महाराज के गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स वियतनाम जैसे देश ने यूज़ करके यूएसए जैसे कंट्री को घुटनों पर ला दिया था। ऐसे ही महाराज के बारे में कहने के लिए और जानने के लिए बहुत कुछ है, मगर आज हम देखने वाले हैं ग्रेटेस्ट 10 फोर्ट्स ऑफ शिवाजी महाराज टू विजिट। शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा, महाराज के हर एक फोर्ट के साथ कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है। इसका मतलब ये नहीं है जिन फोर्ट्स के नाम मैं नहीं ले रहा हूँ वो कम इंटरेस्टिंग या वो देखने लायक या विजिट करने लायक नहीं है। मैंने बस मेरे हिसाब से 10 फोर्ट चूज़ किए हैं। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा, अगर इससे पहले आपने शिवाजी महाराज के एक भी फोर्ट नहीं देखे हो तो शुरुआत आप इन फोर्ट से कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तोरणा फोर्ट, जिसे प्रचंडगढ़ नाम से भी जाना जाता है। प्रचंड मतलब भव्य, विशाल। पूना का ये सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट फोर्ट है। पूना से ये 64 किलोमीटर दूर है। इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने ये फोर्ट जीता था, एट द ईयर ऑफ 1646 में। रेनी सीजन में ये फोर्ट बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है बिगनर्स के लिए। अगर आप बिगनर्स हो तो बेस्ट सीजन आपके लिए होगा विंटर सीजन। सिंहगढ़, जो पूना से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। इस फोर्ट को पहले कोंडाना गढ़ भी कहा जाता था। आपने अजय देवगन की ये वाली मूवी तो देखी ही होगी, मुक्का मुमरठ। नाउ सुबेदार तानाजी मालुसरे। जी हाँ दोस्तों, सूबेदार तानाजी मालुसरे के लिए ये मूवी एक ट्रिब्यूट थी। इसी फोर्ट को रिकैप्चर करते हुए वो वीरगति प्राप्त हुए थे और उसी वक्त शिवाजी महाराज ने कहा था, गढ़ आला पन सिंह गेला। दैट मीन्स द फोर्ट इज कॉन्क्वर्ड बट द लॉयन वॉज लॉस्ट। और तभी अपने इस शेर के सेक्रीफाइस को डेडिकेट करते हुए इस फोर्ट का नाम रखा गया सिंहगढ़। रायगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र के महाड़ में आता है, जिसका जिला भी रायगढ़ है। इस फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए चीफ इंजीनियर थे हिरोजी इंदुलकर। ये दक्कन के पठार का सबसे मजबूत किलों में से एक है। और आपको बता दूं, महाराज का राज्याभिषेक यहीं हुआ था। शिवनेरी फोर्ट पुणे डिस्ट्रिक्ट के जुन्नर में आता है। जुन्नर पुणे से 90 किलोमीटर दूर है। इस फोर्ट को स्पेशल इसलिए माना जाता है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जन्म स्थान है। राजगढ़ किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पहाड़ी किला है, जो कि 42 किलोमीटर दूर है पुणे से। ये फोर्ट 26 साल तक मराठे एम्पायर की राजधानी थी। दो प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं यहाँ हमें देखने को मिलती है। एक, शिवाजी महाराज की रानी मतलब रानी सईबाई की मृत्यु, और दूसरा शिवाजी महाराज के पुत्र राजा राम का जन्म। महाराष्ट्र के सातारा शहर से 20 किलोमीटर और महाबलेश्वर हिल स्टेशन से 24 किलोमीटर दूर है प्रतापगढ़। शिवाजी महाराज के लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्री इस प्रतापगढ़ फोर्ट के साथ जुड़ी हुई है। 10 नवंबर 1656 में इस किले से शिवाजी महाराज और बीजापुर के जनरल अफजल खान, जो 7.25 फुट लंबे थे, उनके बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में शिवाजी महाराज को विजय प्राप्त हुई थी। इस जीत से मराठा साम्राज्य की हिम्मत को
और बढ़ावा मिला था। लोहगढ़ किला महाराष्ट्र के पुणे शहर से 52 किलोमीटर दूर लोनावला में स्थित है। यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मालवली। लोहगढ़ किला अपने पड़ोसी विसापुर किले से जुड़ा हुआ है। 1648 में शिवाजी महाराज ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन 1665 में पुरंदर ट्रीटी के चलते शिवाजी महाराज को ये किला मुगल साम्राज्य को सौंपना पड़ा। शिवाजी महाराज ने 1670 में इस किले को फिर से मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया था और इस किले का उपयोग वे खजाना रखने के लिए करते थे। विजयदुर्ग किला सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के देवगढ़ तालुका में आता है। ये शिवाजी महाराज के मराठा नौसेना का प्रमुख गढ़ था। विजयदुर्ग फोर्ट की स्ट्रॉन्ग साइड ये है कि वो तीनों तरफ से समुद्र में घिरा हुआ है, और ऐसा काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानना है कि जो दो फोर्ट्स पर हमेशा शिवाजी महाराज का भगवा लहराता था, वो दो इम्पोर्टेंट फोर्ट में से ये एक इम्पोर्टेंट फोर्ट था। एंड सेकेंड फोर्ट वॉज तोरना फोर्ट। पुणे जिले के पुरंदर तालुका के सासवड शहर से 15 किलोमीटर दूर है पुरंदर फोर्ट। ये फोर्ट इसलिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी महाराज का जन्म यही हुआ था, और इस किले को जीतने के साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन की शुरुआत हो चुकी थी। इस फोर्ट में अंदर जाने के लिए आपके पास आपकी आईडी होनी अनिवार्य है। यहाँ पर मिलिट्री बंगलोज है जहाँ पर आपके रहने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उसके लिए वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर से आपको पहले परमिशन लेने पड़ेगी। आखिरी फोर्ट देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे, किसी भी फोर्ट पर आप जाओगे तो मेरी तरफ़ से एक हाईली रिकमेंडेड है कि आप वहाँ के लोकल गाइड ज़रूर करना, क्योंकि बगैर नॉलेज और बगैर गाइड के आप सिर्फ दीवारों को देखोगे। और वैसे भी इसी बहाने वहाँ के लोकल लोगों को एक रोज़गार भी मिल जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 1664 में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवण तालुका के समुद्र तट से कुछ दूर अरब सागर में एक आइलैंड पर बनाया गया सिंधुदुर्ग फोर्ट। शिवाजी महाराज के सैनिक दल में इस किले को बहुत इम्पोर्टेंस था। इस किले को बांधने में योगदान रहा है उस समय के इंजीनियर हीरोजी इंदुलकर। इस किले को बांधने में 3 साल लगे थे और 1 करोड़ होन खर्च आया था, जो कि उस समय की चलन थी। तो दोस्तों, ये थे शिवाजी महाराज द्वारा राज किए हुए 370 फोर्ट्स में से सिर्फ 10। मैंने एक वीडियो बनाया था शिवकालीन कुएं के ऊपर, जो कि बदलापुर में है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट्स करना। कमेंट्स में जय भवानी जय शिवराय लिखना मत भूलना। और अगर आपको 1% भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय भवानी जय शिवाजी जय महाराष्ट्र जय हिंद।